हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास थर्ड की कलरब की 10th शिक्षण योजना यानी कि 10वीं शिक्षण योजना शेयर करने जा रही हूँ। मैं ये शिक्षण योजना लास्ट शेयर कर रही हूँ आपके साथ क्लास थर्ड की। इसके बाद मैं अगली सब्जेक्ट की शिक्षण योजना आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मैं हर सब्जेक्ट से 10-10 शिक्षण योजना पहले आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद 11 चैप्टर से स्टार्ट करूंगी। तो आज की हमारी जो शिक्षण योजना है वो है बंधक बांट की। तो सबसे पहले हम वही 4 कॉलम बनाएंगे, डेट डालेंगे, क्लास डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, टाइम डालेंगे। उसके बाद हमारा आता है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम को क्या करेंगे, बच्चों को तराजू तथा उसका उपयोग करने की समझ विकसित होगी। बच्चों में बराबर या भाग का ज्ञान का विकास होगा। बच्चों को कहानी को हाव भाव के साथ अपने शब्दों में व्यक्त करने की समझ विकसित होगी। प्रकरण रहेगा बंदर बांट। सीखने सिखाने की सामग्री रहेगी पाठ्य पुस्तक, तराजू, बिल्ली और बंदर के चित्र, दीक्षा ऐप। सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधि रहेगी वही 4 स्टेप रहेंगी। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। चरण में भी वही 3 स्टेप आती हैं, शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के बाद में। तो शिक्षण की शुरुआत में सबसे पहले बच्चों को कहानी से जोड़ते हुए एक कविता सुनाएंगे। जैसे बच्चों, चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई, झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों के तो चपट लगाई। आधा तूले मुन्नू बेटा, आधा तूले चुन्नू बेटा, ऐसा झगड़ा कभी मत करना, आपस में मिलजुल कर रहना। इस तरीके से हम बच्चों को पोएम से जोड़ते हुए जब हम बच्चों को उनके मेन टॉपिक पर ले जाने की कोशिश करेंगे। समय रहेगा 10 मिनट्स। आकलन का तरीका रहेगा सहभागिता के आधार पर। फिर हम इसी से रिलेटेड बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे क्या आपने चूहे देखे हैं, बिल्ली कैसे बोलती है, तराजू से क्या तौलते हैं, बंदर कहाँ रहते हैं, आपके घर पर कौन कौन से जानवर हैं, जानवरों की आवाज़ निकालना सीखें, इत्यादि। इसके बाद हमारा आएगा शिक्षण के दौरान। समय रखेंगे हम इसका 20 मिनट। आकलन का तरीका रहेगा प्रतिक्रिया के आधार पर। बच्चों को तराजू के बारे में पूछेंगे, बच्चों से उनके द्वारा देखे गए जानवरों के नाम पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या आपने बंदर और बिल्ली देखे हैं। फिर बच्चों को कहानी को हाव भाव व अभिनय के साथ कहानी सुनाएंगे। बच्चों से कहानी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। मैंने कुछ स्टिकर्स यहाँ पर लगा दिए हैं, बंदर का है, चूहे का है और बिल्ली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों बिल्लियों के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ, झगड़े को निपटाने के लिए बंदर ने क्या किया, बंदर की जगह तुम होते तो रोटी किस बिल्ली को देते, बिल्लियों ने अंत में क्या निर्णय लिया। यहाँ पे मैंने तराजू का भी डायग्राम यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसके बाद है हमारी शिक्षण के बाद में, समय रहेगा 10 मिनट का। आकलन का तरीका रखेंगे सहभागिता के आधार पर। बच्चों से कहानी के आधार पर चर्चा करने को कहेंगे तथा कहानी को कक्षा में अभिनय के साथ करवाएंगे और ऐसी ही कोई नई कहानी बनाने को कहेंगे। प्रदत्त कार्य व गृह कार्य, बच्चों को कहेंगे कि अपनी कॉपी में ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें तौलने में तराजू का प्रयोग होता है। तुम इस कहानी को क्या नाम देना चाहोगे। शिक्षक की आगामी योजना रहेगी, बच्चों को अगर कुछ समस्या आती है तो उनकी समस्या का निवारण करेंगे तथा अगली शिक्षण योजना बनाएंगे। अगले दिन दोनों बिल्लियों को दूध से भरी टोकरी मिली। वे सोचने लगे दूध को कैसे बांटें। तभी फिर वही बंदर आ गया, बताओ आगे क्या हुआ होगा। तो ये रही हमारी शिक्षण योजना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।